एक युवक ने अपनी परिचित महिला के साथ बलात्कार की कोशिश की और जब वो इसमें सफल नहीं हो पाया तो उसने महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली मोरबा थाना क्षेत्र के परेवा नाले में मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। टीआई मनीष त्रिपाठी ने बताया, मामले की सघन जांच पड़ताल में शक की सुई आरोपी कमलेश वैश्य पर टिक गई थी, जिसका इस महिला से पुराना परिचय रहा है। इसने पकड़े जाने के बाद कबूल किया कि आदिवासी महिला मुन्नी गोंड के पास ज्यादती के प्रयास में असफल होने पर इसने गला दबाकर महिला की हत्या कर दी थी, जिसका शव परेवा नाले में बहते हुए नदी तक पहुंच गया। हमें एक परेवा नाला में अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी शनाख्त की गई जो मुन्नी देवी गोंड थी, जो वहीं पर झाड़ू लगाने का काम करती थी। मृतका की शनाख्त के पश्चात उसका PM कराया गया। PM में डॉक्टर ने उसको स्ट्रैंगुलेशन से मौत होना लेख किया था, जिसपे हमने 302 का अपराध दर्ज किया है। अब फिर इस अज्ञात हत्यारे की तलाश शुरू की गई तो जानकारी यह मिली कि घटना दिनांक 3 को मृतका के साथ दारू पीते हुए एक स्थान पर कमलेश वैश्य देखा गया था। इस आधार पर इसकी तलाश की गई, पूछताछ की गई तो हमने आज आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी ने संपूर्ण घटनाक्रम बताया कि उस महिला से अवैध संबंधों की मांग करने पर, उसके द्वारा शिकायत करने एवं आपत्ति उठाने पर उसका गला दबा के इसने हत्या कर दी थी। आरोपी गिरफ्तार किया है, आज जेल में है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।